1 सितंबर 2024 को एक दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। तो मैं ट्रेनिंग देने में व्यस्त था, मैंने वीडियो नहीं बनाया। जिसने वीडियो बनाया था, जो भी मुझे व्हाट्सएप किए, उन्हीं व्हाट्सएप पर जो आए हुए वीडियो, उनके क्लिप को इकट्ठा करके मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही ये बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सारे वीडियो, जितनी क्लिप मुझे भेजी गई थी, उनको मैंने इकट्ठा करके आपको दिखाने, सिखाने, सीखने के लिए आपको मदद मिलेगी। वो कोशिश मैंने की है, शायद मेरी कोशिश अच्छी भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। मैं वीडियोग्राफर लेके जाता तो शायद आपको पूरी ट्रेनिंग दिखा पाता। इस ट्रेनिंग को कराने वाले बीड डिस्ट्रिक्ट के हाईटेक पोल्ट्री फार्म, उसी फार्म पर ट्रेनिंग हुई, अनिल राउत सर, उनसे मैंने बोला है कि वहाँ का जो भी वीडियोग्राफी है उसकी मुझे पेन ड्राइव भेज दीजिएगा, मैं दर्शकों को सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर पेन ड्राइव मेरे पास आ जाती है, उसमें वीडियो आपके दिखाने योग्य होंगे, तो मैं पूरी ट्रेनिंग को जितना हो सकेगा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो भी हमारे पास है उसको देख लेते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कभी कभी होता है कि बल्ब हमने 2.5 फीट में लगा दिया, टेम्परेचर कितना है 30 है, करना कितना है 33, तो 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 1.5 फीट में कर दो, लाइट 5 में कर दो। लाइट किसको दे रहा है, गर्मी किसको दे रहा है, चूजों को। अब उसके बाद जिनके फार्म के फर्श पक्के हैं तो उनको 500 चूजे के लिए 12 फीट का गोल सर्कल स्क्रीन पे देखें ऐसा लगाना। हेलोजन रोड 500 वाट की जल रही है, सेंटर में है, अखबार से 1.5 फीट ऊपर बल्ब, अखबार के ऊपर इसको लगाने का, वो एक्सपोजर कहते हैं। और दूसरी तरफ जिसको नुकसान पहुंचा रहा है उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अभी इतनी सर्दी में हम बैठे हैं, रिमझिम बारिश हो रही, कुछ नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं होगा। 4 साल के बच्चे को इतनी देर बिना कान बंद किए बैठा लेंगे, सर्दी हो जाएगी, क्यों? उसके अंदर इम्यून सिस्टम कम है, अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। बहुत सारे ऐसे रोग आपके फार्म पे आके चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। पक्षी के अंदर अगर इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बर्दाश्त करने का मादा है, पता ही नहीं चलेगा कौन सा रोग आया और गया, और इम्यून सिस्टम कमजोर है। हमने विटामिन ई और सेलेनियम को कम किया, तो आप ये जानिए कि ऐसे मौसम में भी 2-5 बार पंख फुला के फार्म पर खड़े होंगे, गर्दन छोटी करके पंख फुला लेते हैं पक्षी और खड़े हो जाते हैं। पहला साइन होता है पक्षी का कि किसी भी रोग की शुरुआत में या किसी बीमारी का हल्का असर होने पर या उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर सबसे पहला साइन पक्षी के शरीर में होता है कि वो दाना पानी खाना छोड़ देगा और किसी कोने में चुपचाप खड़ा हो जाएगा। फिर हमें हाथ लगाना है, छाती में हाथ लगाना, बच्चों को देखते ना, बच्चा गुमसुम बैठा है, आपका मुंह उतरा हुआ है तो बच्चे को हाथ लगा के देखते, बुखार तो नहीं, कल हल्की सी खांसी भी चल रही थी, इसे डॉक्टर को दिखा, ऐसे पक्षी को देखते। तो पक्षी के शरीर का, स्वस्थ शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ पक्षी के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और 42 के ऊपर गया तो फीवर है, बुखार है। और दूसरी बार कब चिल्लाता है, जब फीमेल को आकर्षित करना है, तब दो टाइम पे चिल्लाने के दो चीजें समझ में आती है। तो ये ब्रीडिंग के लिए मैंने कुछ टिप्स आपको बता दी। तो 15 मिनट बचे, किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज जानना हो, निसंकोच पोल्ट्री से रिलेटेड जितने सवाल, जितना डीपली जानना हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। बैठाने का काम नहीं बोलिए,
मैंने पहले भी बताया था कि बड़ा बच्चा महाराष्ट्र की प्रथा है कि लोग लड़के को ही करें, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। चाहे कुछ भी हो, बच्चा आ रहा है आप दो दिन बाद देख लेना। इनको ब्लैक एस्ट्रोलॉग चाहिए तो आपका नंबर दे दिया इनको, ये कॉल करें। रेट फिक्स नहीं रहता, वो हैचे के टाइमिंग के हिसाब से रहता है। बोलने का बीड़ के ट्रेनिंग में आया था, अच्छा है। एक ग्राउंड रहता है, ग्राउंड में इतना टाइम करते ट्रेनिंग में उपस्थित होने वाले सभी किसानों को हृदय से धन्यवाद देते हुए अनिल राउत सर, जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट के हैं, हाईटेक पोल्ट्री फार्म के ओनर हैं, जहां पर ट्रेनिंग हुई थी। मग नंतर मला आमचे मित्र सागर माळी सर भेटले, मी बरेचसे फार्म पाहिले, काही ठिकाणी ओरिजिनल डुप्लिकेट मिक्स आहे। गौरान के प्रति लगाव, पक्षी का प्रेम देखने को मिला। सभी पक्षी प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी इज्जत करम नवाजिश के लिए महाराष्ट्र में मुझे आने के बाद इतना सम्मान मिला, वो सबके लिए सारे महाराष्ट्र को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।